संपूर्ण युगों की अगर मैं चर्चा करूं जी। या वर्तमान समय की बात करूं तो कलयुग में कहा गया है कि सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना। हनुमंत लाल बताया गया है कि कलयुग में केवल जो संकीर्तन आप करते हैं, आराधना जो करते हैं, नियम संयम जो आप करते हैं, और बड़े सहज ही हैं हमारे हनुमान जी, और हनुमान जी की यदि आप नियमित रूप से आराधना करते हैं, नियमित रूप से आप कार्य को करते हैं, यहाँ पर कलयुग में नियम का बहुत बड़ा प्रावधान है। अच्छा। अगर नियम संयम से आप करते हैं तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको संभव ना हो। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, अर्थात ही कहा गया कि कलयुग में हनुमान जी साक्षात हैं, जो आपके बीच में, हमारे बीच में, सूर्य चंद्र के बीच में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बीच में अगर सबसे सहज और सरल हैं तो हमारे हनुमंत लाल जी हैं। और हनुमान जी का अगर हनुमान अष्टवन का पाठ करते हैं, जैसे आचार्य श्री ने बताया देसी घी का, गाय के देसी घी का अगर आप दीपक जलाते हैं, कलयुग में अगर सबसे ज्यादा आपको ताकत चाहिए तो हनुमान जी की आराधना। और सृष्टि में आप देख रहे होंगे अगर कोई मानवता में हल्का सा भी कोई संकट आ जाता है तो सब लोग सुंदरकांड पाठ करना चालू कर देते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान अष्टवन का पाठ करते हैं। अर्थात राम जी ने कहा है कि रामचरितमानस का जो हृदय है वो सुंदरकांड है, और सुंदरकांड का अगर आप स्वाध्याय करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो आपके अंतःकरण में हर तरह से आनंदित होगा। और हनुमान जी का नाम लेने के लिए ऐसा कोई समय निश्चित नहीं है, जिस समय आपको फुर्सत मिल जाए, सुबह हो, शाम हो, उठते हो, बैठते हो, सोते हो, जागते हो, यथाविधि जैसे ही आप नाम लेते हैं तो हनुमान जी आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो कलयुग में हनुमान चालीसा का जो है साक्षात बाण है। अगर कहते हैं हार्ट अटैक पड़ रहा हो तो इंजेक्शन जो है वो हनुमान चालीसा है, और हनुमान चालीसा सुंदरकांड का जो पाठ करते हैं उनके जीवन में, व्यापारियों का अगर व्यापार से लॉस हो रहा है तो हनुमान जी की आराधना करें प्रातःकाल 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। अगर यदि और ज्यादा आपत्ति आ रही तो हनुमान अष्टवन का पाठ करें जो रात्रि 9 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में, देसी घी का दीपक पूर्वोत्तर मुख करके, लाल आसन और लाल आपके सिर पे भी आसन होना चाहिए। यदि आप श्रद्धा और भाव से हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है, और ऐसा हम सब लोग देख भी रहे हैं सनातन धर्म में। और सनातन धर्म में जो कार्य आप करना चाहते हैं अगर हनुमान जी का नाम लेके करते हैं वह कार्य पूर्ण हो जाता है। कलयुग में हनुमान जी का अपनी महिमा है, और केवल यहीं तक है। हनुमान जी आपने देखा कि ज्योतिष में, भागवत में, सम नारद पुराण में, संपूर्ण पुराणों में हनुमान जी का बखान कहीं ना कहीं से, कहते हैं जहां अभिमान होता है वहां हनुमान नहीं होते हैं, और जहां हनुमान होते हैं वहां अभिमान नहीं होता, जहां संकल्प होता है वहां विकल्प नहीं होता है, जहां विकल्प होता है वहां संकल्प नहीं होता है। तो हनुमान जी का तो एक संकल्प, दृढ़ संकल्प है कि अगर मुझे राम जी को प्रणाम करना है तो करना है, और राम को प्रणाम करते हैं और हम आप हनुमान को प्रणाम करते हैं। तो कलयुग में हनुमान जी की आराधना करने से हमारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।